महान का और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि उसका बर्थडे कैसा इंसान है ये हमका तो पता ही नहीं था। इस गाने का नाम है अभी बर्थडे का नाम भी है। मैंने इनको फोन करके बोला था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं पार्टी दे रहा हूँ। आपने झूठ बोला क्यों? फिर मैंने बोला कि नहीं मेरा गाना लॉन्च हो रहा है उसका नाम हैप्पी बर्थडे है। माजद के साथ दोस्तों तो हम तो आहान को आहवान को दुआएं देंगे इसके सॉन्ग के लिए नए सॉन्ग के लिए और साथ के साथ दुआएं करेंगे भी कि शाला ये इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी और गाने करता रहे और इसी तरह ही दर्शकों का जो मन है उनको मोहता रहे और इसी तरह ही दर्शक हैं जो या फिर हमारे जो फैंस हैं आवाहन के गाने को अपनी मोहब्बत से सरशार करते रहे। शाला आवाहन इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करता रहे यही दुआ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग मैंने एक्चुअली वीडियो देखा एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। रिसेंटली ही इज माय को एक्टर इन इमली इमली सीरियल हम साथ में कर रहे हैं सीजन 3 सो ही इज प्लेइंग माय पार्टनर इन दैट शो ही इज अ वंडरफुल गाय एंड ही इज वेरी काइंड ही इज वेरी लविंग ह्यूमन बीइंग एंड आई एम एंजॉयिंग वर्किंग विद हिम एंड आई विल जस्ट से कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड आवाहन आपको आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत प्यार शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। शाला आपकी टीम ऐसे ही एक साथ चलती रहे आगे। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड सच में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि अरे ये इतना कुछ मतलब एक्चुअली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मुझे इमली ज्वाइन किए अभी थोड़ा टाइम हुआ है और आसमा जी के साथ ही मेरे सीन्स हुए हैं बाकी किसी के साथ मेरे सीन्स ही नहीं हुए हैं और ना ही किसी के साथ इतने इंटरेक्शन हुए हैं और अभी ये सीधा बैकअप से डायरेक्ट आ रहे हैं और मैंने इनको एक बार दो बार बोला होगा और मतलब आप सोचिए कि इतना बिजी शेड्यूल इनका इतना हैक्टिक शूट डेली ऑल द डे ऑल द नाइट मतलब आई मीन मुश्किल से 6-7 घंटे भी इनको सोने के लिए नहीं मिलते होंगे और अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के ये लोग यहाँ आ रहे और ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। देखिए जो आवाहन है ना वो एक सच्ची सुची रूह है। आई थिंक ऑल द लव एंड हैप्पीनेस सो या सेइंग दैट सो आर इमली इज हियर माय मम्मा इज हियर चाचा इज ऑल द लव एंड हैप्पीनेस देखिए भले हमारे सीन्स नहीं हुए हैं मगर जो सच्ची सुची रूहें होती है ना वो बड़ी जल्दी कनेक्ट कर जाती है। दादी बिग दादी हो दादी बिग दादी दादी बिग दादी बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज वेरी गुड ही इज अ गुड एक्टर ही इज अ वेरी लाइक आई बट लास्ट में मैं एक शेयर जरूर बोलूंगी आवाहन के लिए कि सच में अगर कोई खुदा है सच में अगर कोई खुदा है तो मैं उसके आगे यही दुआ करूंगी कि कभी भी इसकी रातों से कोई तारा ना टूटे। ये ब्लेसिंग्स है सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिस इज ऑफकोर्स दिस इज अनकंडीशनल लव एंड विच आई नेवर एक्सपेक्टेड बिकॉज इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार एंड वी गॉट अ लाइक वी हैव बिकम अ फैमिली जो है अभी हम साथ तो एक होता है ना सीन्स करते करते ये मेरी जीजी से सच में मेरी रियल लाइफ में दीदी बन गई है। मैं दादी नहीं बोलूंगी बट शी इज लाइक माई मदर ओनली एंड बाबू अभी चला गया अभी साहब आ गया नहीं मेरे लिए राउडी रहती है अभी जो भी है
हैप्पी बर्थडे के बारे में बात करेंगे, म्यूजिक एल्बम के बारे में बात करेंगे. करेक्ट. एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क? गुजारिश है कि ये फिर से नाचे. बहुत प्यारा है, बहुत फिर से नाचे. सर ने बहुत अच्छे से बनाया है. आई नो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और हम सबको बहुत पसंद आया है. तो प्लीज़ प्यार दीजिए और बस उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ खूब तरक्की करे और हमने गाना पहले लॉन्च नहीं किया, हमने गाना एक साथ लॉन्च किया. स्क्रीनिंग 9 बजे. सीरियसली एक्चुअली हमें पता भी नहीं था. हमें तो हम तो ऑन द वे थे, सेट के लिए जा रहे थे, तो इसलिए जब हमें बताया बट बड़ा अच्छा लगा कि ये इतना रफ टफ है बंदा तो डांस करता है. देखो और कितना खूबसूरत डांस करता है. तो शाला ऐसा भी डांस करता है. He's a very good dancer. I have seen his reels on Instagram. I told you before. और हम बहुत सारे एल्बम्स देखने जा रहे हैं. अच्छा डांस कर रहा है, मैं हैरान हूँ. बहुत अच्छा है. आप प्लीज आओ, इनवाइट भी हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हमारे बीच का बंदा आगे बढ़े. दैट्स व्हाई हम लोग इतना साथ देने के लिए हर हमेशा खड़े हैं. और हम अपने फैंस को भी ये दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को देखा जाए और प्रमोट किया जाए. हमें दिल से खुशी हो. और शुक्र प्लीज रील्स बनाना. मेरा 15 मार्च का बर्थडे आ रहा है, मैं यही गाना लगाऊंगा. Just the way you love all of us, as you just keep loving me. I mean, keep loving all of us and keep supporting us. As you support karte rehna, pyar dete rehna. And keep watching Emily every day at 8:30 PM. Hotstar Plus. Hotstar Monday to Sunday. Please watch. Thank you. Hotstar nahi chhodna chahiye bhai tumhe. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैं एक बार फिर से आप रियली 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 मतलब अगर मैं 2 मिनट और ज़्यादा बोलता रहा तो आई थिंक मैं इमोशनल हो गया. मैंने अभी पहले भी बोला कि मुझे इमली ज्वाइन किए हुए हार्डली 1 महीना हुआ है और मेरे इन सब के साथ सीन नहीं हुए हैं और ना ही इतना इंट्रैक्शन हुआ है. सिर्फ आसमा जी के साथ ही मेरे सीन हुए हैं. लेकिन फिर भी मैंने जस्ट मैं बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली. मैं आपको रियलिटी बताता हूँ. मैं अभिषेक के साथ ये शेयर कर रहा था कि यार अब मैं कैसे इन्वाइट करूँ, कैसे बोलूँ, इंट्रैक्शन ही नहीं है. हाय हेलो कुछ लोगों से तो हाय हेलो भी नहीं है और कैसे बुलाऊँ, क्या गेस्चर करूँ. तो मैं बड़ा डर डर के मैसेज कर रहा था. पहले एक बार बोला, फिर दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, फिर आज चौथी बार मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस है सबको. एंड मैं एक बात इंटरप्ट करिए, सॉरी. ऐसे भी इसके पहले जब भी हम लोग कोई पार्टी या कुछ भी करते थे, कभी हम सब एक साथ कभी नहीं हुए. चाहे न्यू ईयर पार्टी हो, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे पहली बार आया हूं पार्टी में. एग्जैक्टली. हां ये दोनों कभी मेरे घर भी नहीं आए. अच्छा लग रहा है. कांग्रेचुलेशन शायद मल्ले जी की आवाज़ तो आई थी.
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ ये गाना अभी देखा है क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था ये क्या बना है, तो इसलिए ऑडियंस का पहला रिएक्शन मेरा आएगा। तो मेरा रिएक्शन ये है कि डी एस क्रिएशन ने जो एक पूरी कहानी को एक गाने में समेट के आपके सामने पेश किया है वो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और कलाकार आह्वान है, बच्ची है, और एक जो एक एम्बियंस होता है जो आज के यूथ का, जो मेरी भी बेटी है मुझे पता है, जब वो पार्टी करते हैं सब लोग आपस में घरों में या पब्स में, तो यही एटमॉस्फेयर होता है। तो हमारा वो जो जनरेशन गैप है वैसा नहीं है, मैं पुरानी जनरेशन का वैसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं आशिक जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इन्होंने पूरा एम्बियंस और पूरा जो क्रिएट किया है अपने गाने में, पूरी कहानी कही है, और लास्ट में जो वो अपना केक लगाती है जो फ्लैश बैक में कई फियर ऑफ आज का प्रेजेंट दिखाया है, तो इट्स वेरी टचिंग। तो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं जो आपको दिल को छू जाती है, एंड दे हैव क्लिक दैट। सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, इतना अपना कीमती टाइम निकाल के ये हमारी रिक्वेस्ट पे आए, तो इनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ये प्यार है इन सबका, बहुत सर ये आपका प्यार है, सर आपका प्यार है, हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आपको एडमायर करते आ रहे हैं, और आज आपके साथ खड़े हैं, और आज आप हमारे बारे में बोल रहे हो, मतलब हमारा गाने का लॉन्च है और हम जिनको देख के बड़े हुए हैं वो हमारे गाने की तारीफ कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर फॉर कमिंग, और बाकी पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बहुत मेहनत लगी है, क्रिएटिविटी लगी है, मैम की, अभिषेक भाई, हम सब ने बहुत मिलके मेहनत की है, और बस यही उम्मीद चाहते हैं कि जैसे सर को ये गाना पसंद आया है बाकी सभी ऑडियंस को भी ये गाना ऐसे ही पसंद आए। थैंक यू ऐसे मैंने यूजली नहीं देखे। प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान रहे ना रहे, अगर सच्चा प्यार है तो वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। मैसेज यही है, इसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है, लोगों को टच कर रहा है, जिन्होंने देखा आई होप सबको पसंद आए, और हम ऐसी और चीज़ें भी लेके आते रहे, कुछ नया नया कुछ लेके आते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, एक इंटेंस स्टोरी है इसमें, ये एक सॉन्ग ही नहीं एक स्टोरी भी है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मैंने लास्ट पार्ट मैंने सिंक दिया इसमें, बिकॉज ये जो स्टोरी थी वो लड़की के बेस थी, बिकॉज लड़का एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसकी यादों में ये सारा सॉन्ग है, तो एक लव स्टोरी है, ट्रू लव स्टोरी है। तो लड़की उसी के लिए सारी उम्र, वो बचपन से ही उसके पीछे भाग रही थी, मतलब उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो पीछे पीछे भागती रही एंड तक भाग रही है, बस यही है उसके, मतलब हाथ में नहीं आ पाया, तो जब आया तो तब भी नहीं। हाँ, मतलब अभी भी मेरे को गूज़बम्प्स आ गए, सॉरी, बिकॉज मैंने उसको ऐसी इस फील में गाया है, तो मुझे इसकी पिटिया ने रोल प्ले भी किया। हाँ। इसने गाना भी गा लिया, बहुत अच्छी है। सो 3 चीयर्स टू देम। तो
अभी तो बैक टू बैक खाते रहेंगे जब तक भगवान के का आशीर्वाद रहेगा और हमारे सूर्य भाई का आशीर्वाद रहेगा। हमारे प्रिंसेस साहब भी आ चुके हैं, आज इनका बर्थडे भी है और हैप्पी बर्थडे गाना भी आ रहा है, सोनिया ने इस पे गाना भी गाया है, शायद माता की आवाज़ है, क्या क्या है इसमें यार, भूमिता हमारा सेकंड गाना एक साथ और अच्छा हो गया हमारे साथ यार। सर आ रखे हैं जी, सर और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे ये गाने में सपोर्ट करें। थैंक यू, सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार के सर, आप इतने सारे फिल्मों के गानों के रिव्यूज करते हैं, आज ईएस क्रिएशन के गाने का ऑर्गेनिक रियल रिव्यू करिए, कैसा लगा आपको? पहले तो इनका बर्थडे है, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। और गाना मुझे अच्छा लगा, मुझे गाने में लड़की बहुत अच्छी लगी, सुंदर लग रही है और गाने का मतलब ही यही है कि भाई जो लड़की है लड़का है दोनों अच्छे लगने चाहिए, दोनों अच्छे लग रहे हैं और गाने के अल्फाज भी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में बढ़िया गाना है। देखो ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते, क्या हो जाए। यस आप कह रहे हो, आप कह रहे हो तो कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं सर का बहुत बड़ा मुरीद भी रहा हूँ और फैन भी हूँ और लगातार इनका चैनल रिव्यू करता हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे बर्थडे पे स्पेशल विश देने के लिए स्पेशल समय निकाल कर मेरे पास आए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर का। मैंने अभी भी गाना देखा है, इट्स अमेजिंग सॉन्ग। कुछ दिन पहले मेरा ही बर्थडे था तो आई वॉज मेकिंग अ रील एंड आई वॉज थिंकिंग बर्थडे का कौन सा गाना आ सकता है और बर्थडे के ऊपर आई गेस बहुत सारे मतलब सॉन्ग्स है जो हम लोग बार बार पोस्ट करते रहते हैं। अब आ गया तो अभी कुछ नया चाहिए था जो आ गया है एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वायरल। देखो हमने कितना दिमाग लगाया है, एक तो हैप्पी बर्थडे गाना नहीं है, एक प्यारा सा गाना बनाया, शाहिद माल्या भाई से गाना गवाया, उन्होंने प्यार से गाया भी, फिर सोनिया को मर्ज कर दिया कि कोई फीमेल जो होती है ना फेमिनिस्ट कुछ बीच में ना आए कि फीमेल क्यों नहीं है, उन्होंने फीमेल भी ऐड की, मायशा भी ऐड की बच्ची ताकि उसकी फॉलोइंग मिले, उर्मिता इतनी सुंदर लड़की, ये लॉन्च भी कर दिया भाई के बर्थडे पे और इनका बर्थडे आज और हैप्पी बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे लॉन्च कर दिया, कितना दिमाग यूज किया मैंने और नया कॉन्सेप्ट, एक म्यूजिक फिल्म के अंदर एक म्यूजिक वीडियो डाल दिया। सर आप मुझे भी बोलने दो। I was congratulating her. Thank you so much. Amazing, you were amazing in the song and wishing you a very happy birthday to him and party बहुत अच्छा है अंदर, आप लोग देख ही चुके होंगे। So yeah, that's it. Congratulations, Urmi. Thank She's you. Looking amazing, so Thank pretty. और गाना इतना इतना cute है ना, हाँ प्यारा कि बार 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 हम सुन सकते हैं। And you know one and only Dinesh sir. My favorite मैं character. एक ही बात बोलता हूँ, कुत्ता हो जो घमंड करे, एक पैसे का घमंड नहीं किया मैंने कभी आज तक, मैं इतना awesome हूँ तब भी। अच्छा हमारे हमारे प्रोड्यूसर कितने हैंडसम है, लगता जी प्रोड्यूसर है, लास्ट टाइम आए थे लोग कहते आप तो खुद हीरो, सारे लोग awesome इकट्ठे हो गए। ओ माय शिट, बर्थडे बॉय ना, नॉट ए प्रोड्यूसर, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुझ पे कुर्बान ये जा, हाँ बस। जोईता हमारी जेम पर्सनालिटी है, जोईता के साथ हमने एक सॉन्ग किया था जो गोवा में शूट हुआ था और वो हम गोवा का ट्रिप कभी भूल नहीं पाएंगे। That was the best experience. Mad, mad, It was a holiday, not a shoot. We hope कि हम ऐसा काम करते रहें। Sir, फिर कब? Sir, फिर कब? जल्दी जल्दी। कब? जल्द। Cut, cut, भारी fight करने मोड़ी है। Okay. Thank you, guys. धन्यवाद धन्यवाद। और क्या कुछ से बोलना चाहेंगे सर, सबसे पहले किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया आपके जन्मदिन? सबसे पहले तो उसका कॉल आया जो मेरी सोलमेट है और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि उसका आना चाहिए और वो खुद कॉल नहीं आया, वो खुद पहुंच गई 11:30 बजे बॉम्बे, सब प्राइज लिंग ली। और ये कितना खास मोमेंट है, आपका जन्मदिन है और एक स्पेशल गाना जो है, ये स्पेशल गाना बनाया स्पेशल दिन के लिए गया था कि इसको स्पेशल डे ही लॉन्च करेंगे और ये कोई ये प्लानिंग हमारी चलती है 1 साल पहले कि किस दिन क्या करना है। सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं और हैप्पी बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे का गाना लॉन्च हो रहा है, उससे बढ़िया बात और क्या होगी। सुनना चाहेंगे गाना एक बार?
मेरा आज गला वैसे खराब है कोल्ड है कल से। आपको कैसा लगा और सर को क्या बधाई देंगे क्योंकि आज उनका जन्मदिन है? जाना बहुत अच्छा लगा और हैप्पी बर्थडे के दिन प्रोड्यूसर साहब का बर्थडे है और ये गाने का लॉन्च है तो ये बहुत खुशी की बात है और भगवान उनको बहुत तरक्की दे ऐसी मेरी कामना है। बर्थडे ये दर्शाता है कि लास्ट वन ईयर में आपने क्या अचीवमेंट किया है, ये उनके अचीवमेंट का फल है जो आज रिलीज हुआ उनके बर्थडे पे। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती है कि कोई इंसान अपने बर्थडे पे एक साल मेहनत करके इतनी अचीवमेंट, इतने अच्छे सॉन्ग्स, इतने अच्छे पिक्चराइजेशन, इतने अच्छे डायलॉग्स सब एक साथ एक पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड एंड आई विश हिम सर वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ग्रो अप ऑलवेज। गाना आपको कैसा लगा और सर का जन्मदिन है क्या कुछ बताया? सर का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही जन्मदिन का गाना रिलीज हुआ है, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। और सूर्य प्रकाश जी आपको बहुत बहुत वेलकम और वेलकम भी कंग्रेचुलेशंस भी। वेलकम इसलिए क्योंकि आई नो ही इज गोना रॉक द म्यूजिक इंडस्ट्री टोटली एंड कंग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है। और हमारी हीरोइन के बारे में वो कैसी लगी? हमारा हीरो एंटायर कॉन्सेप्ट जो है मुझे एक स्टोरी की तरह लगा जो कि आई थिंक वॉज अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इतनी छोटी से टाइम में दिखाने की कोशिश और वो सफल होना इज अ वेरी बिग थिंग एंड दिनेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या है पेयर? पेयर लड़का लड़की सब उसकी तारीफ कर रहे हैं सब लोग, तुमने तारीफ नहीं की, मतलब तुमने कुछ बताया नहीं, मतलब क्योंकि मैं तो लड़का और लड़की को बस इंडिविजुअली देखती रह गई। लड़की को देख के मैं ये सोचती रही वाओ ब्यूटीफुल, लड़का को देख के मैं सोचती रही कि वाओ ब्यूटीफुल। सो पैर भी होता है इसको सब लोग अच्छे दिखते हैं। लास्ट में लगा फिर क्यों गाना ब्यूटीफुल? गाना तो सुपर ब्यूटीफुल, मुझे ऐसे लगता है रील्स में इट्स गोना गो हिट और हम सभी हैं जो हिट करेंगे और बाकी लोग जो हमें आप लोग भी। हैप्पी बर्थडे का न्यू एंथम आ चुका है इस साल का, मींस हैप्पी बर्थडे सर्च मारो और रील्स बनाओ बस। हाँ, वायरल कर दो उसको। सो द नेक्स्ट हिट सॉन्ग इन द बर्थडेज आर गोइंग टू बी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। थैंक यू। विश्वास दिखाया हमने, बहुत मेहनत, इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है और मुझे बनाया है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे बड़े पर्दे में देखना चाहती है। उर्मी जब छोटी थी तभी मैं एक्टर बनने के लिए मैं चाहती हूँ, इसलिए टू ईयर से मैंने उसको वो कथक में ज्वाइन करवाई थी और शी इज माय लाइक पीला, शी इज माय एवरीथिंग। और मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से। दिनेश जी बहुत अच्छे से। दिनेश जी बहुत अच्छे से। फेवरेट कौन सी फिल्म है आपकी? फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसे ये हमने करें? आपको क्या लगता है कि ये उस फिल्म को हमने, वो मुझे रेखा जैसी समझती है, आई डोंट नो, बट वो उनको लगते है कि मैं रेखा जैसी हूँ तो वो चाहती है कि मैं बड़े पर्दे में, हाँ बड़े पर्दे में वो देखना चाहती हूँ। और बाकी दिनेश जी है जो मुझे बड़े पर्दे तक लेके जाएंगे। आई विश आपको पता है ये जो मैं जानना चाहूंगा आपको ये अदाकारी एक्टिंग कैसी लगी और ये गाना कैसा लगा? सर गाना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाना कैसा लगा आपको? थैंक यू। और बाकी दिनेश जी और सूर्या जी है जो मुझे बड़े पर्दे तक लेके जाएंगे। आई विश मैं इसने इतना कुछ कहा है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत टैलेंटेड है, इस शॉर्ट फिल्म में इसने बहुत मेहनत की। हमने सुबह शूटिंग चालू की, रात तक शूटिंग की, एक बार भी ये नहीं कि मैं थक गई हूँ कुछ हो गया नहीं। उसके बाद में हार्ड वर्किंग है, चाहे कॉस्ट्यूम ट्रायल हो, चाहे कभी मिलना हो, एकदम से भाग के आ जाना, बैठ जाना, टाइम देना,
वो सबसे बड़ी और दिनेश जी का मेन चीज है, दिनेश जी हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं उर्मी तू ये 100% कर सकती, तू कर ले बस। उर्मी ने मिस हिंदुस्तानी जीता हुआ है टाइटल, ये रैंप मॉडल है, बहुत अच्छा रैंप करती है, कभी इसको रैंप करते हुए देखो तो लगा कि वाओ शी गॉट गुड हाइट एंड शी गॉट गुड यू नो इसकी वॉक लगती है लाइक ए प्रो लाइक ए सुपर मॉडल। तो हर चीज़ में अच्छी है, मेरे को इतनी अच्छी एक्ट्रेस मिलेगी तो मैं क्यों नहीं मेहनत करूँगा। हमने एक गाना पहले रिलीज़ किया मेरी जाना, जिसको दिव्या कुमार ने गाना, दिव्या कुमार जी ने गाना गाया और सोनिया मल्होत्रा सभी ने, ये गाना शाहिद मल्ल ने गाया। अब हम आपके सामने और भी जल्दी कुछ लेके आएंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ इससे भी बड़ा लेके आएंगे। यस, इससे बड़ा लेकर आएंगे। गाना इन्होंने बनाया है, इनको क्या लगा बनाया है एक्चुअली में डायरेक्शन भी हमारा, लड़की हैंडसम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्शन टीम भी हमारा है एंड एक्शन खूबसूरत हो सकती है, डायरेक्शन टीम डायरेक्शन टीम भी खूबसूरत हो सकती है। कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग को, काफी पॉजिटिव, काफी अच्छे कमेंट्स है, काफी हार्ड वर्क भी किया है पूरी टीम ने, काफी पहले से प्री प्रोडक्शन से पोस्ट तक रेडी है, वो हार्ड वर्क किया है, ये पूरी डायरेक्शन टीम है, आर्ट ने वर्क, कॉस्ट्यूम्स, ये सब कुछ बिल्कुल परेशान, हम लोग डायरेक्शन के साथ नहीं, काफी अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी था सेट पे, तो एंड मोर देन इंपॉर्टेंट कि सर हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, इट्स अ टीम वर्क। मैं इस चीज का कमेंट भी नहीं करता और मैंने इनको ऐसा अच्छा बोलने के लिए पैसे भी नहीं दिए। अच्छा अच्छा नहीं 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 एक और या ये वाला एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने हम लोगों ने साथ में काम भी किया और हमने जो उसमें उस वीडियो में आपने हमको भी देखा ही होगा, हम लोगों ने भी काम किया है साथ में, छिप सकते हो डांस किया ये बिहाइंड द कैमरा थी पहली हमारी फर्स्ट एडी, बट तो हम बाकी हम सारे एज एन आर्टिस्ट फ्रंट ऑफ कैमरा भी रहते हैं, तो बहुत स्पेशल, यस ऑब्वियसली यस। अच्छा उर्मी का वो बचपन दिखाया क्या सर, हमारी जो लीड एक्ट्रेस है उनका बचपन, ये उर्मिता का बचपन भी है। आपको पता है एक चीज, हमने कितनी मेहनत की है और कितना ध्यान दिया है, यही कॉस्ट्यूम उसने पहने हुए हैं शूट के वक्त भी और आज लॉन्च के वक्त भी, उसने सेम कॉस्ट्यूम, सेम कॉस्ट्यूम है। अच्छा मजे वाला सीन सर, मायशा और मेरा कॉस्ट्यूम मैचिंग है, कलर मैचिंग करके है, लक बाय चांस, थैंक यू सो मच सर। आवान, मैं इनको प्यार से अमर बुलाता हूँ क्योंकि एक जगह और कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और म्यूज़िक वीडियो मुझे बहुत प्यारा लगा। बेस्ट पार्ट मेरे लिए जो सरप्राइजिंग पार्ट था वो आवान का डांस था, और मैं सर से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ आवान को और नाचते हुए दिखाइए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो वाला जो चंक आया, दैट वॉज़ माई फेवरेट, एंड लास्ट वाला तो अब आप सब देख लेंगे तो बहुत अच्छा था, एंड सो गुड जॉब, सो थैंक यू सो मच अभिषेक, आप आए बड़ा अच्छा लगा, एंड हाँ आवान ट्रेन डांसर है, ये तो मुझे तब मालूम चला जब मैंने से डांस करवाया, लगा आवान कमाल कर दिया, ये तो कुछ स्टेप कोरियोग्राफी कर रहा था, लगा आवान कमाल ही कर दिया, मतलब मेरी आंखें चाहती थी ये और मिले वो और क्लिप्स मिले मुझे वो। सो नेक्स्ट वीडियो में सर प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज, हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन ही रहे हैं, ये हमारे लेबल पे परमानेंट है, इनका खुद का लेबल आया मुलाट पिक्चर्स, ये तो अभी परमानेंट है यहाँ पे, डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू आप मेरा भी प्लान करना कुछ बिल्कुल हेलो हाय हम पंकज विष्णु, एक्चुअली देखा जाए तो एक दोस्तों का रियूनियन है आज, बिकॉज दिनेश भाई अवन सब हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि एक दोस्ती का कल्बिनेशन इस टाइप के गाने में हो रहा है, बिकॉज हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो कहते हैं काफ़ी सालों से रफ़ी साहब भी गाते हुए हैं, कुशल साहब भी गाते हैं, आज मल्ल
साहब का सुनने में आया और बहुत ही बढ़िया गाना किया, और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी पूरी शूट की है उस हिसाब से सिर्फ गाना नहीं है बस उसमें इमोशंस है और एक स्टोरी लाइन चलती है पूरे गाने में. सो इट्स अ गुड वेरी नाइस एफर्ट एंड वेरी नाइसली डन बाय द होल टीम एंड आई वुड लव टू बहुत बधाई सब पूरे टीम को और ऐसी बनाते रहिए और हम सबको ऐसी एंटरटेन करते रहिए. शाम आज से शाम मशालकर मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो स्टेप है ना, एक तो क्या है ना बर्थडे पे गाने बहुत कम है, तो अभी जैसे जैसे पंकज ने भी कहा कि जैसे रफ़ी साहब का था एक नकाश का है, अभी उसके बाद मुझे लगता है ये वैसे वायरल हो जाएगा क्योंकि ये शुरुआत ही ऐसी इस गाने की. एंड वेरी वेल मेड, वेरी गुड स्टोरी एंड दे बोथ वर लुकिंग सो गुड इन द सॉन्ग. और ऐसा लगा कि यार जो ट्विस्ट आता आखिर में वो बहुत जबरदस्त टच करता है, टच करता है. इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग बेसिकली, तो बड़ा अच्छा लगा. इस गाने के बारे में मैंने सुना नहीं था लेकिन अभी जैसे मैंने देखा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि या इट्स इन माय माइंड नाउ, तो गुनगुना सकते हैं, गुनगुना रहे हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, सुपर, वेरी वेल मेड यार. थैंक यू. इसके बजट बड़े कम्पैक्ट थे, हमने बड़े कम्पैक्ट बजट में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है. इमोशन तो है ही हैं. एक हमने शॉर्ट फिल्म के अंदर एक गाना डाला है हमने, वो अपने तरह से एक नया 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 एक कंसेप्ट है कि एक फिल्म में आप गाना डाल दो, शॉर्ट फिल्म में, कोई 5 मिनट की फिल्म में. तो कोशिश की हमने, इतने ग्रैंड बजट ना होने के बावजूद भी एक ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है जो लोगों को पसंद आए. हैप्पी बर्थडे नाम से गाने बहुत कम हैं और मैं भी सर्च मारता रहता हूँ, नहीं मिलते हैं. और कोशिश की है कि शाहिद माल्या भाई इस पर ऑनवर्ड आए, वो आ भी गए, अच्छा गाया भी है. सोनिया एक फीमेल भी हमने मर्ज की सिंगर बीच में कि कोई रहना चाहे, बच्चे मर्ज किए, सब कुछ मर्ज किया कि गाना हिट हो जाए. अभी गाना हिट करवाना है, फुल एंटरटेनमेंट वाला मसाला उसमें. अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा जब आ रहा है बर्थडे तो लोग मुझे स्टोरी वरी टैग बैक करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो मैं बोलूंगा भाई इस गाने पे करना. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. जैसा अभी थैंक यू भाई, जैसा सर ने अभी कहा कि बजट को लेके हम लोग रिस्ट्रिक्टेड थे, रिस्ट्रिक्शन, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि यार जो इसकी जो सोल है उसको हम लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो हमने वो उसको अलाइव रखने की कोशिश की कि क्रिएटिविटी में और इस गाने की सोल में, स्टोरी की सोल में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, बस ये हमने रखने की कोशिश की और ये चाहते हैं कि आप लोगों को पसंद आए. और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ श्याम भाई का, पंकज भाई का. हम लोग जनरली ऐसे मिलना होता नहीं है, 3-4 साल पहले हमने शो में काम किया था, ऐसे कभी हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर भाई ऐसे बस वो कंग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट ये सब चलता रहता है. और आई एम वेरी ग्लैड, वेरी थैंकफुल कि आज मैंने इनको 2-3 दिन पहले मैसेज किया, कॉल किया और आज ये लोग नहीं बोलने की जरूरत है. एक्चुअली इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही होनहार बच्चा है और अभी वो शो भी बहुत अच्छे कर रहा है, स्टार प्लस ऐसे बड़े चैनल पे कर रहा है, तो हमसे से तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. और दिनेश को भी शुभकामनाएं ब्रो, श्याम जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं. आगे हमारा दिन संपूर्ण हो गया, श्याम भाई से जानते हैं, इतने प्यार प्यारे एक्टर आ रखे, इनको हम टीवी पे देखते रहते हैं, इनकी एड्स फनी एड्स लेके कितनी एड्स की मैं देख देख के, मतलब तब तो मैं पंजाब से यहाँ आया भी नहीं था तब से एड देख रहा हूँ. आप एज के बारे में कुछ नहीं कहा, इनका एक्सपीरियंस फास्ट है यार, एक्सपीरियंस बोलता है, मजा है. ये बड़ा अच्छा कि एज के बारे में नहीं कहा, बस यही पे खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Yes. एक और है वो आज अवेलेबल नहीं है बिकॉज आज भी शूटिंग चल रही है हमारे FIR वाले गोपी भल्ला साहब. जब गोपी भल्ला साहब और अभिषेक अवस्थी यहाँ पे आ जाते हैं तो इसका मतलब इवेंट संपूर्ण हो गया. इसी के बाद इसी के साथ श्री गणेश करते हैं, सूर्या भाई का बर्थडे है और बर्थडे का गाना लॉन्च हो रहा है भाई, और कितने कॉन्फिडेंस चाहिए हिट कराने के फॉर्मूले इनके पास है सारे. दिमाग हैप्पी बर्थडे वाले दिन ही मैंने हैप्पी बर्थडे लॉन्च किया. इंटरनेशनल आर्टिस्टों से गाना गवाते हैं सोनिया मल्होत्रा सोई जी, आजा. अभी हाल ही में वो चेकोस्लो का वाकिया से आई हैं और ये हाल ही का वाकिया है. घर की सारी टीम है इनकी, सारे पैसे बचा लेते हैं या खुद के ही चार्जेस बढ़ा के ले लेते हैं. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ना प्रोड्यूसर का डायरेक्टर हूँ. वाई? बिकॉज मेरे जो डायरेक्शन टीम के इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं, इन्होंने इसमें एक्टिंग की है, दूसरे बार उनकी एक्टिंग होगी और उन्होंने डायरेक्शन में काम किया, मतलब मैंने कितना दिमाग लगाया. उसके बाद हमारी फर्स्ट एडी गर्ल कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ना, हमारे बच्चे कोरियोग्राफर भी हैं, एंड देन सोनिया हमारे घर की सिंगर है, सब कुछ करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं. इसका जवाब तो यही दे पाएंगे, जल्दी आएंगे, टीम कब आ रहे हैं. अरे पिछली 2 बार से
अनाउंस कर रहे हैं गाना मेरे साथ। मुझे लगता है सूर्या भाई बताएं कब आएंगे। मैं बताता हूँ, सुनो, हमारा गाना बारिश के ऊपर है, बारिश चली गई और हमने डिसाइड किया कि इसको आराम से शूट करते हैं। इन द मीनवाइल कुछ चीज़ें थी करने के लिए, मैं भी चाहता था कोई ऐसी चीज़ें बाहर निकालूँ जो फिक्शन की हों, लाइक मैंने गाने किए हैं बट समथिंग इन फिक्शन, तो हमने शुरू की है, इससे शुरुआत की है। अरे हाँ यार, मुबारकबाद, मेरी फिक्शन में शुरुआत हो गई, ये कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो बारिशों के पहले वो गाना ज़रूर लॉन्च होगा और आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा। गाना गाया किसने है? श्रेया बस्ती ने। अभी उसका गाना आया है कुछ खट्टा हो जाए, नहीं से अभी कुछ खट्टा हो जाए में उसने गाया। हाँ, गाना वेलकम। बहुत अच्छा लगा बिकॉज बर्थडे के ऊपर आई गेस पहली बार कोई गाना ऐसा बना है बर्थडे के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा था, अच्छा है, बीच भी अच्छे है, गाना अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैप्पी बर्थडे पे पहली बार आएगा इस कोई गाना बना है गाइस, बर्थडे के ऊपर कभी कोई गाना बना नहीं है लाइफ में, मतलब मैंने तो नहीं देखा, तो पहली बार बना है तो बहुत अच्छा लगा। स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छा लगा, अच्छी लगी, अच्छी लगी, ब्यूटीफुल। और एक्टर कैसे एक्टर तो ब्रिलियंट एक्टर है ही, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स तो है ही आवान। कॉन्सेप्ट डायरेक्शन स्क्रीन पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आई लव्ड इट, वी लव्ड इट। एक्चुअली ये खुद ही इतने अच्छे कलाकार हैं और ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छे कलाकार, कितने खूबसूरत कलाकार हैं, कितने गोरे छोटे हैं, हम चारों कितने गोरे लग रहे हैं, पार्कल हो गए फेम आते ही। बट जोक्स अपार्ट, पहली बार बर्थडे पे कोई गाना बना है और बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया गया है और बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत मजा आ गया। And all the very best. और millions of views तो हम लोग expect कर रहे हैं। इतनी अच्छी लड़की इतने दिल से बोल रही है, सच्ची बोल रही होगी। Thanks for coming. इनके लिए तो आना ही था बट मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। थैंक यू सो मच। या दैट एल्बम इज सुपर्ब एंड आवान डिड अ ग्रेट जॉब देयर एंड वी एंजॉयड अ लॉट, सो या गुड लक फॉर हिम, ही इज द बेस्ट, ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज करियर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू, इट इज माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिनेश जी का जितना इनपुट, जितनी मेहनत और जितनी क्रिएटिविटी इस गाने को और इस जो हमारी शॉर्ट फिल्म को लेके रही है, और उस वैसी ही हमारा एक और इंसान है जिनकी रही है, एक और हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं जिनकी रही है, अभिषेक अरोड़ा। अभिषेक जी, ये हमारे दोस्त भाई क्या कहें, जो कहें कम है। yes. और इतना इनपुट, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ इन्होंने मैनेज की है इस गाने की। बैक एंड पे जाके अगर कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट को मजबूती से पकड़ना, उसकी प्रोडक्शन देखनी, ये भी देखना प्रोजेक्ट सही बन रहा है, क्रिएटिविटी भी देखनी, उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे कॉस्ट्यूम्स हो, डेकोरेशन हो, आर्ट हो, मतलब एक अपना ही प्रोजेक्ट समझ के उन्होंने इसको खड़ा किया है। द वेरी गुड पिलर बिहाइंड द प्रोजेक्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ओनली। बहुत अच्छा है। देखिए, डीएस क्रिएशन में जो दिनेश सोई जी है,
अपनी कंपनी को इतने बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप तो जानते हैं, मैं तो वीनस कंपनी में रह चुका हूं, कई हजार गाना बनाए, लेकिन ये इंसान बहुत फास्ट हैं और बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, बहुत बेस्ट डायरेक्टर हैं, और वो जो भी काम बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिन पहले एक रिलीज किए थे, फिर सोनिया जी और अभी साहिद मालिया गाए हैं, वो गाना आज हुआ रिलीज। और सूर्या प्रकाश जो हमारा प्रोड्यूसर हैं, उनका बर्थडे था, बहुत अच्छा है हम लोग आए। और एक बात है कि ये मेरे को लग रहा है ऐसा रफ्तार पकड़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, ये हिट कंपनी बन जाएगा इनका। ऐसा तो मेरे बेटे को भी उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं, और उदित नारायण जी का गाना वगैरह वो शूट बहुत जल्दी कर रहे हैं। शाहिद मालिया जी की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे वे से गाया है उन्होंने, और बस हमने तो कोशिश करी है, देखो अभी कैसा रिस्पांस मिलता है। एक सर इसके अंदर ये भी देखा गया कि ये जो गाना है स्टोरी भी इसके अंदर दिखाई गई है, कैसा लगा सर? वो बहुत अच्छा है, वो रियलिटी जो एक है एक बपल की, उसमें जो बर्थडे और ये सब का उसी में गाना किए। साहिद जी को मैंने ही दिनेश जी को बताया था कि भाई दिनेश जी साहिद मालिया को लिखिए। अभी रॉकिंग राजा रानी जो फिल्म में नॉमिनेट में बहुत हिट हुए हैं, तो साहिद मालिया जी को गवाया और सोनिया जी साथ में डुएट है। बस पाइपलाइन में है, अभी बता दूंगी। अभी तो एक बात मैं पहले से बता देता हूँ, तो एक तो उदित नारायण का गाना दिनेश जी ने डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे बेटे का मेरा म्यूजिक है ना, वो बेटा मेरा लॉन्च हो रहा है। लेकिन और एक गाना उदित नारायण के साथ सोनिया जी ने गाई है, उदित जी के साथ है, उदित जी के साथ भी गाई सर करवा रहे हैं। हाँ, वो भी बहुत जल्दी आएगा, ये वन बाय वन चलते रहेगा। दिनेश जी बहुत फास्ट हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक मेरा पुराना दौर याद आ गया, उस टाइम में अल्ताफ का साथ इतने फास्ट चलते थे ना, अल्ताफ राजा का साथ जो फास्ट चलते थे ना लगातार वन बाय वन, तुम तो ठहरे परदेसी के बाद, ऐसा इन्होंने चल रहे हैं अभी बहुत स्पीड में, और इनके साथ तो मैं पूरा जुड़ा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी बर्थडे टू सर, थैंक यू। और इतने मुबारक मौके पे इतना खूबसूरत गाना ये आया है, आपने बर्थडे सॉन्ग्स तो बहुत से सुने होंगे, लेकिन इस वाले सॉन्ग में बहुत ही डिफरेंट इमोशनल राइड आपको मिलती है, एक स्टोरी टेलिंग मिलती है जो कि दिनेश सर उसमें तो एक्सपर्ट हैं ही, साथ में बहुत ही प्यारा सा एक इमोशनल सा डायरेक्शन आपको दिखाई देगा, एक स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी वीडियो है इसकी, और गाना आपको ऐसा लगेगा कि एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग में भी लेके जा रहा है और करंट सिचुएशन पे भी बता रहा है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे गाने जिनसे आप रिलेट कर सको श्योर श्योर हिट होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर अस। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं सर कितने हेल्पफुल हैं और हमेशा सबके लिए आगे रहकर करते हैं, तो सभी लोगों की दुआएं सभी लोगों की ब्लेसिंग सर के साथ हैं, एंड स्पेशली हमारे प्यारे सत्य प्रकाश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल खुद ही हीरो है। डायरेक्शन के बारे में आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं दिनेश सर के साथ जुड़ा हूँ, जो इनका विजन है वो बहुत ही डिफरेंट आजकल के यूथ से भी जोड़ के रखता है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक इमोशंस का ड्रेवन होता है, और वो ही चीज़ आपको एकदम अलग करती है, तो वो जो पकड़ के रखने की जो पावर है इनके डायरेक्शन में, आई एम फैन ऑफ दैट। बिल्कुल मैम, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को इनके साथ में अभी यहाँ पे शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कंसीडरिंग मी इन योर टीम। यार गाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, आतिशबाजी शुरू हो गई, जादू है।
थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश जी के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आफन ऑल्सो. तो इसका गाना आने वाला है अभी, हैप्पी बर्थडे, एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर इट. एंड यू हैव स्पेशली इन्वाइटेड मी फॉर दिस सॉन्ग लॉन्च, एंड यार द सॉन्ग इज वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक यू ऑल शुड चेक इट. एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा होता है जब ये गाने में एक स्टोरी होती है, एक प्रॉपर एक स्टार्ट टू एंड स्टोरी होती है, तो लोग ना इजीली कनेक्ट हो जाते हैं. राइट नाउ आई एम द लीड ऑफ द शो, टीवी शो ऑफ इमली जो स्टार्प्लस पे आता है 8:30 बजे, तो वो है. एंड एवान इज ऑल्सो डूइंग अ पिवोटल रोल ऑफ इमली. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो देने की ज़रूरत नहीं है. और इतना प्यार मिला इमली को यार. मैं अगर तो शो देखता तो इमली है, क्या वो देखता हूँ कपिल शर्मा का होगा बिग बॉस, इतना फेमस शो है. तो अभी हम बात करेंगे हैप्पी बर्थडे म्यूजिक एल्बम के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इमली ज्वाइन किए अभी बहुत कम टाइम हुआ है और हमारे सीन्स तो हुए ही नहीं है और इंटरेक्शन भी बहुत कम हुआ है. बट इट्स सो फील गुड कि मैंने इनको बुलाया और ये यहाँ पे आया है. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार मेरा बैकअप एक्चुअली हुआ था कुछ 10 बजे के आसपास. मैंने एवान को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ तेरे लॉन्ग सॉन्ग लॉन्च पे और मैं ज़रूर आऊँगा. एंड आई एम हियर. थैंक यू यार. एक्चुअली सर ने, जैसे मैं अंदर आया लॉन्च पार्टी में आया और सर ने मुझे पूछा कि साई तुम्हें भी मेरे साथ करना होगा गाना, तो मैंने बोला ज़रूर सर, डेफिनेटली आई एम जस्ट अ कॉल अवे. हम जानते नहीं दूसरे को. हाँ, छोटी सी इंडस्ट्री को कहते हैं ना, वही हो गया. छोटी सी इंडस्ट्री है यार, तो एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब मिलजुल थे. थैंक यू सो मच. मुझे गाने करने इनके साथ, अवान के साथ मुझे गाने करवा दो अच्छे से एक्टर के साथ. सर मल्टी स्टारर गाना कर दो ना सर, अवान के साथ और मेरे साथ, दो हीरो दो हीरोइन, फंटास्टिक होगा शायद. आई वुड लव टू करेंगे प्लान. थैंक यू सो मच.